अरे तुम लोग ये दो दो ट्रंक काहे को ला रही हो, गांव जा रही हो क्या? अयो दादा बिना, अरे हम ही कहे थे कि उन्हीं कपड़ों का ट्रंक नीचे उतार के लाए, वो कहा है ना सर्दी आने वाली है, तो हम सोचे कि उन्हीं कपड़ों को धोकर सुखाकर धूप दिखा दे और तैयार कर दे, और आपका कोट भी तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना पड़ेगा ना। अरे वाह कितनी हैंडसम लग रही हो। अयो दादा ए जी, पिछले सर्दियों में लाजवंती ज्वेलर से 80,000 का कोई नेकलेस खरीदा था। 80,000 बापू, क्या हुआ? चुप का है, भूत बने का है बैठे है, कुछ बोलिए ना। अरे ये तो अपना हीरा लाल जी की बीवी के लिए। अयो दादा, बीवी हीरा लाल जी की और नेकलेस खरीदे आप? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि खरीदा तो हीरा लाल जी ने ही था, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए हम गए थे, तो फिर हम वहां से लेके उनको दे दिए, ये बिल देना बस भूल गए। अच्छा, और 80,000 का बिल आपका बॉस मांगा नहीं? अरे यूं समझ लो कि वो मांगना भूल गए और हम देना भूल गए। हमारे लिए तो खरीदना ही भूल गए थे। तुम ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हें भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पापा झूठ बोल सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पापा ने झूठ बोला होगा। हाँ? हाँ? अरे नहीं, नहीं नहीं, पापा झूठ बोल ही नहीं सकते। हाँ। पर क्या पता अगर बोले होंगे तो? बिल्कुल नहीं बोले होंगे। अरे मारे बापू ऐसे हैं ही नहीं जो झूठ बोल सके। पर मारे को इस बात की कंफर्मेशन हास है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोगों को अपने डैडी पे बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। पर ऐसे मामलों में तो लोग झूठ बोल ही देते हैं। अच्छा मन्ने अभी फोन करूँ? सो मुझे नहीं लगता फोन करने से कोई भी बात बनेगी। तू एक काम कर, ये बिल लेकर मेरे साथ लाजवंती ज्वेलर्स तक चल, वहाँ जाकर हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। हाँ। है ना? जी ठीक रहेगा दीदी, है ना? चलो आते। नहीं, 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 नहीं। मम्मी प्लीज चुप हो जाइए ना, रोइए मत प्लीज। मम्मा चुप हो कैसे सकती है? मम्मा मीनाक्षी दीदी की शादी और विदाई के बारे में सोचकर थोड़ी ना रो रही है, वो तो उस 80,000 के नेकलेस के बारे में सोचकर रो रही है। चुप। अयो दादा, हम 80,000 के हार के बारे में सोच के